नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। पूर्व सीएम राजबल्ला से बाजार दर से 15 गुना आवास भाड़ा वसूलने की तैयारी। पूर्व मुख्य सचिव राजबल्ला वर्मा से बाजार दर से 15 गुना आवास भाड़ा वसूलने की तैयारी चल रही है। भवन विभाग यह प्रस्ताव बना रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो राजबल्ला वर्मा को करीब 7 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला बने बिग बॉस 13 के विजेता, दूसरे स्थान पर रहे आसिम। बिग बॉस 13 का सफर करीब 5 महीने बाद शनिवार को हो गया खत्म। करीब 3.5 घंटे चले फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला को विजेता घोषित कर दिया गया। आसिम रियाज रहे रनर अप। 7 दिनों में 14 लोगों की मौत, ग्रामीणों ने कहा जहरीली शराब से गई जान। गिरिडीह जिले के सहरिया प्रखंड के फकीरा पहरी और देवरी प्रखंड के गिरकाल गांव में अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मौत कैसे हुई है। हालांकि ग्रामीण जहरीली शराब का सेवन इसकी वजह मान रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पोस्टमार्टम से असली वजह लाएगी सामने। मध्य प्रदेश की रहने वाली मंजू ने फिर से बेटी होने पर हंसिया घोप कर अपनी बेटी की ले ली जान। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे घर पर। आज की अपडेट्स में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।